अब आज के बाद घर बैठे हमेशा आप कभी भी जब मन करे इडली सांभर और चटनी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली घर बैठे बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है मैं सारी सीक्रेट रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि होटल रेस्टोरेंट्स की होती हैं, जिससे कि घर बैठे सेम स्वाद आता है किसी भी रेसिपी का। तो ये जो रेसिपी है बहुत सीक्रेट से भी सीक्रेट रेसिपी है। जल्दी से इसकी पूरी रेसिपी कॉपी पे लिख लीजिए और आज ही इसे घर में ट्राई करिए। बिल्कुल सेम आधे घंटे के अंदर अंदर इडली सांभर और चटनी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली, कोई आपका फेमस रेस्टोरेंट अगर हो बॉम्बे में या कहीं भी, तो जहाँ भी आपने कभी इडली सांभर चटनी खाई है तो सेम टू सेम स्वाद घर बैठे आएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए जल्दी से कॉपी ले आइए, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए और पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और घर पे आज ही इसे ट्राई करिए और मुझे बताइए कि कैसी बनी। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चटनी। तो चटनी से शुरुआत करते हैं, वीडियो बहुत लंबा है तो मुझे फास्ट बताना पड़ेगा आपको सब कुछ। ड्राई कोकोनट पाउडर लिया है मैंने आधा कप, डेसिकेटेड कोकोनट, और ये लिया है रोस्टेड चना 1.5 चम्मच, 1.5 बड़े चम्मच रोस्टेड चना, और साथ में जाएगा अदरक का एक बड़ा टुकड़ा। हरी मिर्च एक ली है, तीखा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये एक हरी मिर्च मैंने ली है। इमली का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, जो मेरी 3 टाइप्स ऑफ चाट रेसिपीज़ है उसी पे मैंने आपको इमली का पेस्ट बनाना बताया है कुकर के अंदर, तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ में जाएगा ये करी पत्ता 1 बड़ा चम्मच, करीब 15 से 20 या 25 पत्ते आप ले लीजिए। साथ में लिया मैंने चीनी का, आधी चम्मच चीनी जाएगी, और नमक 1 चम्मच, और साथ में लेंगे दही जो कि मैंने हंग कर्ड लिया है 1 टेबल स्पून बड़ा चम्मच। अगर आप नॉर्मल कर्ड ले रहे हो तो उसमें खट्टा पानी रहता है, खट्टा रहता है, तो इमली का पेस्ट कम डालिए, बहुत थोड़ा सा 4 बड़े चम्मच पानी डाल के पेस्ट बनाएंगे। ध्यान रखिए जब भी कभी चटनी पीसते हैं तो पहले कम पानी में पीसिए, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाएँ, कोई टुकड़ा ना रहे इसके अंदर। जब सब चीज़ें कम पानी में अच्छे से पिस जाएंगी उसके बाद हम इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ाएंगे और दोबारा से इसे पीस लेंगे। तो जो परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें चटनी की चाहिए वो बनके तैयार हो जाएगी। अब आप देख रहे हो चटनी की कंसिस्टेंसी अभी ये है, लेकिन लेटर ऑन आज के बाद हो सकता है कल जब आप खाओ तो ये थोड़ी गाढ़ी हो सकती है, तो आप इसमें और गर्म पानी हल्का सा मिला लीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए इस पर तड़का लगाते हैं। 2 चम्मच ऑयल के लीजिए कढ़ाई के अंदर, उसमें डालेंगे 1 चम्मच राई की, पतली वाली राई लेंगे इसमें हम, और उसे अच्छे से क्रैकल होने देंगे। उड़द दाल डालेंगे 1 चम्मच, आधी चम्मच, बहुत थोड़ी सी, जलानी बिल्कुल भी नहीं है, और हींग जाएगा 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच। अच्छे से जो तड़का है उसे गैस को हींग डालते ही बंद कर दीजिए और गरम गरम तड़का चटनी पे डाल के मिक्स कर लीजिए। ये चटनी 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होगी फ्रिज के अंदर, लेकिन ये गाढ़ी हो जाती है कोकोनट पाउडर की वजह से, तो पानी मिलाते जाइए। अरहर दाल लेंगे 2 बड़े चम्मच सांभर पाउडर बनाने के लिए। 2 बड़े चम्मच अरहर दाल से हम 2 बार खाने वाला सांभर बना देंगे। और ये चना दाल लिया 1 बड़ा चम्मच, साथ में लेंगे 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल। जी हाँ, दाल उबालने की ज़रूरत नहीं है आज सांभर बनाने के लिए। और ये मैंने ली है चावल का 1 बड़ा चम्मच, पर बॉइल्ड राइस लिया है, लेकिन आपके पास घर में जो भी राइस अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हम दाल उबालेंगे ही नहीं, सिर्फ इसी से आज हम सांभर बनाएंगे, और बिल्कुल होटल जैसा, क्योंकि होटल वाले यूजुअली ऐसे ही सांभर बनाते हैं। और ये सांभर का जो पाउडर है आप बना के रख लीजिए और जब मन करे बस गर्म पानी डालिए, तड़का लगाइए और सांभर बना लीजिए। दाल अच्छे से जब ब्राउन होकर रोस्ट हो जाएगी तो उसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। ये देखिए थोड़ी सी दाल अगर जल भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, सांभर का टेस्ट तो बहुत अच्छा आने वाला है। जितनी अच्छी दाल सेकेंगे उतना अच्छा टेस्ट सांभर का आएगा। अब मसाला बनाने के लिए ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ले ली है 5 से 6, इनकी आप स्टेम रिमूव कर दीजिए। 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्ची लीजिए और साथ में कसूरी मेथी 1 चम्मच, साथ में जाएगा धनिए के बीज करीब 1.5 चम्मच और दाना मेथी 1 चम्मच, और ये जीरा एकदम रॉ जीरा लिया है क्यूमिन सीड 1.5 चम्मच, कोकोनट पाउडर 1.5 टेबल स्पून। अच्छे से गैस को बंद कर देंगे, कोकोनट पाउडर डालते ही तुरंत गैस बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें सेकना नहीं है, जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है, दैट्स इट। इसको बिल्कुल
भी सेकना नहीं है, नहीं तो सांभर का टेस्ट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा बनेगा नहीं। बस हल्का सा टॉस कर लेंगे, दैट्स इट, ये हो चुका है। एक प्लेट में निकालेंगे और इसे बिल्कुल ठंडा करेंगे मिक्सचर को। अब ये वाला मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, दाल वाला मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तब जाके इन दोनों को हम एक साथ मिक्सी में पीसेंगे। ये देख रहे हैं आप, दाल और ये वाला मिक्सचर मिक्सी में हम एक साथ पीसेंगे, और इसी से हम बनाने वाले हैं अपना सांभर। कोई दाल को हम उबालने वाले नहीं हैं, फिर भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा सांभर बन के तैयार होगा। और ये हींग डाल दी मैंने 1 चम्मच। सांभर की खास बात है कि जब तक हींग नहीं पड़ेगी अच्छे से तो सांभर का स्वाद नहीं आएगा। तो अच्छे से हींग डाल दीजिए दिल खोल कर, और डाल दीजिए आधा चम्मच हल्दी का। हल्दी डालने के बाद इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 2 चम्मच। घबराइए मत, मिर्ची तीखी नहीं होगी, सांभर तीखा नहीं होगा, ये 2 बार खाने जितना सांभर बन रहा है। और नमक डाला मैंने 2 चम्मच। आप विश्वास नहीं करोगे लेकिन इतनी क्वांटिटी से आराम से 8 से 9 लोग खा सकते हैं। चीनी डाली मैंने 1 बड़ा चम्मच। जी हाँ, 1 बड़ा चम्मच चीनी डालने से सांभर मीठा नहीं होगा, लेकिन जो मसाले हैं वो उभर के आएंगे सारे। और ये रोस्टेड चना लेना है हमको करीब 1.5 से 2 बड़े चम्मच। ये रोस्टेड चना है ना, इसी से आज हम सांभर बनाने वाले हैं। देखिए आप क्या मैजिकल रेसिपी है इससे, जो एकदम सीक्रेट होटल रेस्टोरेंट वाला जो सीक्रेट है ना, आज वो खुलने वाला है। ये देखिए, ये सांभर मसाला जो है, जिसे आप सांभर भी बोल सकते हो, इंस्टेंट सांभर का जो पाउडर है बनके तैयार हो गया। सभी रेस्टोरेंट वाले ये जो पाउडर की जो रेसिपी होती है, हर रेस्टोरेंट वालों की अपनी खुद की होती है, वो इसे बना के रख लेते हैं। कस्टमर आता है, अंदाजे से वो पूरे दिन का सांभर जो भी होता है वो बना के रख लेते हैं और सर्व करते रहते हैं। बहुत रेयरली किसी रेस्टोरेंट्स के अंदर दाल को उबाल के सांभर बनाया जाता है। ये देखिए, आधा कप मैंने सांभर पाउडर लिया और उसमें लिया ये एकदम तेज़ गरम उबलता हुआ पानी। जी हाँ, एकदम तेज़ उबलता हुआ पानी डाल के इसे हम घोल लेंगे। करीब 1 से 1.5 कप पानी डाल के आधा कप सांभर पाउडर को आप अच्छे से घोल लीजिए, क्योंकि इसमें है बेसन, तो बहुत सारा पानी डालना पड़ेगा सांभर की कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि बेसन तो थिक होता रहेगा जो रोस्टेड चना डाला है। बेसन का इस्तेमाल ना करें, रोस्टेड चना ही इस्तेमाल करें। चलिए, ये जो घोल बन चुका है, गरम गरम जो पानी डाला था सांभर पाउडर के अंदर, उसके बाद हमने एक पैन के अंदर डाला 1 बड़ा चम्मच तेल का। साथ में डाल दी मैंने 1 चम्मच राई, पतली वाली राई मैंने इस्तेमाल करी। अच्छे से राई को फूटने दीजिए, उसके बाद डालेंगे इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स कुटी मिर्ची का, और साथ में जाएगा हींग का 1/2 चम्मच। कुटी मिर्ची ना डालना चाहे तो आप इसके अंदर जो साबुत मिर्चियाँ होती हैं ड्राई, वो डाल सकते हैं। और जो करी पत्ते होते हैं, जी हाँ, करी पत्तों को आपको एकदम फाइनली चॉप करके डालना है। और चना दाल 1 चम्मच, 1/2 चम्मच चना दाल, 1/2 चम्मच उड़द दाल डाल के हम इसको एकदम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। जलाना नहीं है, क्योंकि जैसे ही अगर ये जल जाएगी या लाल हो जाएगी तो वो कड़क कड़क लगेगी। और कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर। घबराइए मत, सांभर बिल्कुल तीखा नहीं होगा। और कुक टमाटो पेस्ट 1/4 कप। कुक टमाटो पेस्ट की रेसिपी, अनियन पेस्ट की रेसिपी मैंने शेयर करी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, आप चेक कर लीजिए। जो लोग प्याज का बनाना चाहते हैं वो अनियन पेस्ट भी इसमें ऐड कर दीजिए। और ये जाएगा जिंजर पेस्ट 1 चम्मच, अदरक का पेस्ट, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया ये हरी मिर्ची का पेस्ट। ये देखिए, हरी मिर्ची का पेस्ट और अदरक का पेस्ट 1-1 चम्मच डाल के इसे पका लेंगे। ना मैंने इसमें लहसुन डाला है, ना मैंने इसमें प्याज डाला है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बिल्कुल बिना प्याज लहसुन का ही सांभर बनाते हैं, और बहुत रेयरली होता है कि वो लोग प्याज ऐड करते हैं। हर रेस्टोरेंट्स का लगभग सांभर का टेस्ट अलग होता है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मसाले को जलाएंगे नहीं, अच्छे से मसाले को हम भून लेंगे। आपको जब भी सांभर बनाना है तो इसी तरीके से बस मसाले को तैयार करना है, और जो सांभर पाउडर मैंने बताया था वो डालना है। कुक्ड टैमरिंड पेस्ट, इमली का पेस्ट इसमें भी जाएगा करीब 1.5 चम्मच।
इमली का पेस्ट सांभर में डलता ही है, जिसके बिना सांभर अधूरा होता है। और रेसिपी मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी 3 टाइप्स ऑफ चटनी की रेसिपी, चाट रेसिपीज़ मैंने शेयर करी है, तो मैंने बताया है कि किस तरह से इमली का पेस्ट आप बना के फ्रिज में रख सकते हो, महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितना मर्ज़ी आप चाहो। और क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारी रेसिपी शेयर करूँगी इमली के पेस्ट जिसमें इस्तेमाल होते ही हैं। ये देखिए, पानी थोड़ा सा और डाल के अच्छे से मसालों को भून लेंगे। अब ऑयल आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा ज़्यादा है, आप चाहें तो ऑयल कम डाल सकते हैं। घर पे जब आप बना रहे हैं, अपने हिसाब से ऑयल कम या ज़्यादा एडजस्ट कर लीजिए। अब मैंने होटल जैसा बनाया ना, रेस्टोरेंट जैसा, तो बिल्कुल उतना ही ऑयल डाल दिया जितना रेस्टोरेंट वाले डालते हैं। अच्छे से जब आपको लगे कि ऑयल छूट चुका है, सांभर पक चुका है मसाला, तो इसमें डाल दीजिए जो सांभर वाला घोल हमने बनाया था, सांभर के पाउडर का, गरम पानी वाला, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। जैसे ही आप इसमें घोल ऐड करोगे, आप नोटिस करोगे कि ये बहुत थिक होने लग जाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें है रोस्टेड चना, सारी दालों का पाउडर, चावल का पाउडर, तो हम इसे चलाते जाएंगे तेज़ आँच पर और इसमें जाएगा बहुत सारा पानी। आप नोटिस करोगे कि आधा कप केवल सांभर पाउडर में कितना सारा सांभर बनके तैयार हो सकता है, लेकिन आप इसमें पानी डालते जाइए, सांभर पकाते जाइए। अब यहाँ पे आपको करना ये है, जैसा कि मैंने बताया कि आधे घंटे से भी कम समय में सांभर बनके तैयार हो सकता है, आपको सांभर को अच्छे से पकाना है। चीनी डाली है मैंने इसमें 1 चम्मच। आपने नोटिस किया होगा मुंबई के अंदर ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में सांभर में चीनी होती ही है, थोड़ा सा खट्टा मीठा स्वाद होता है, तो आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं, चीनी को बैलेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ट्राई करके देखिए, या फिर चीनी कम्प्लीटली अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इस सांभर को मैंने बहुत अच्छे से उबालना है, बहुत ज़्यादा उबालना है, जिससे कि जो दालों का पाउडर है, रोस्टेड चना है, अच्छे से पक जाए। बहुत अच्छे से हम इसे पानी डाल के उबाल के पकाएंगे 10 से 15 मिनट, और जैसे जैसे आप उबालोगे, आप नोटिस करोगे कि क्वांटिटी सांभर की थिक होती जा रही है, तो फिर अगर आपको लगे कि सांभर थिक हो रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी और मिला लीजिए। इस तरीके से आप सांभर को जितना पतला या जितना थिक रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। साथ में उबली हुई आप इसमें सब्जियाँ डाल दीजिए, लौकी डाल दीजिए, कद्दू डाल दीजिए, जो आपकी मर्ज़ी हो, गाजर का सीज़न है तो गाजर डाल दीजिए, मूली का सीज़न है तो मूली डाल दीजिए, सब्जियाँ आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आप चाहें तो फ्रेंच बीन्स भी डाल सकते हो, तो आप जो सब्जियाँ आप इसमें डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, ड्रमस्टिक्स भी डाल सकते हो उबाल के, बॉईल करके। तो ये मैंने विदाउट वेजिटेबल्स बनाया है इंस्टेंट सांभर, क्योंकि अगर घर से बाहर नहीं जा सकते और रेस्टोरेंट में जाके नहीं खा सकते, तो घर बैठे बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला सांभर बना सकते हैं, और आज के बाद हमेशा हज़ारों करोड़ों साल तक आप इस सांभर को बना सकते हो घर में। 2 कप सूजी लेंगे इडली बनाने के लिए, हम सूजी की इडली बना रहे हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट आने वाला है ना, बिल्कुल टी नहीं लेती हूँ कि ये वैसी इडली बनेगी जैसी मैं बता रही हूँ। अब इसमें 3 बड़े चम्मच मैंने बेसन के डाल दिए, और एकदम में जाएगा बेकिंग सोडा करीब 1.5 चम्मच, और साथ में मैंने इसके अंदर डाला नमक करीब 2 चम्मच, और चीनी डाल दी है मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर, और साथ में जाएगा सिट्रिक एसिड का पाउडर जो मैंने बना के रख लिया, 1/4 टीस्पून इसके अंदर आप डाल दीजिए, और विनेगर 2 बड़े चम्मच। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स आपको डालने हैं, अच्छे से इसको फेंट लीजिए, घोल को थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे हम, और बस फेंटते ही इंस्टेंट इडली आप बस सांचों में डाल के इमीडिएटली बना सकते हो। घोल को आपको रखना नहीं है इमीडिएटली। अब आप देखिए, ना आपको दही की ज़रूरत है। नॉर्मली क्या होता है कि आधा कप सूजी में ही आधा कप दही डाल देते हैं और इडली बना लेते हैं, बिना मतलब दही क्यों बर्बाद करें। जब खाली सोडे से इडली बन सकती है, खाली पानी से इडली बन सकती है, तो दही डालने की क्या ज़रूरत है। घर में बना के देख लीजिए, स्वाद में यही सबसे बेस्ट बनेगी। अब चलिए जल्दी से हम इडली के जो बैटर हमारा जो बनके तैयार हो चुका है, एकदम परफेक्ट बैटर, ध्यान दीजिए थिक होना चाहिए, रनी नहीं होना चाहिए, बहुत थिक होना चाहिए। ये देखिए, अच्छा खासा थिक बैटर है। अपने जो भी इडली के आपके पास मोल्ड्स हैं, कटोरियां हैं, उसे ग्रीस कर लीजिए अच्छे से ऑयल से, और अब जो भी आप
मोल्ड ले रहे हैं उसमें आप थोड़ा थोड़ा बैटर डाल दीजिए। फूलने की जगह छोड़ते हुए हम बैटर को डालेंगे, एकदम टॉप तक मत भरिए क्योंकि इडली अच्छे से फूलती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप कटोरियों में बना रहे हैं स्पेशली, तो ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए आप इस बैटर को डालिए। ये देखिए, अब ये जो सांचा है जिसमें मैंने इडली का बैटर डाल दिया है, इसे मैं एकदम गरम गरम पानी जो मेरा ऑलरेडी इडली के स्टीमर में उबल रहा है उसमें मैं सारी के सारी इडली के जो सांचे हैं जिनमें मैंने बैटर डाल दिया है ऑलरेडी, वो मैं रख दूँगी। टाइम की कमी की वजह से मुझे जल्दी जल्दी आपको सब बताना पड़ रहा है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ये देखिए, इडली के सांचे सारे भर के मैंने बॉइलिंग स्टीमर में रख दिए। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि केवल 10 मिनट आपको पकाना है। जो टेम्परेचर है गैस का वो आपको मीडियम रखना है, बहुत हाई टेम्परेचर पे अगर आप इडली बनाओगे तो हार्ड हो जाएगी। ध्यान रखें कि टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए और केवल 10 मिनट से भी कम टाइम में इडली बनके तैयार हो जाती है, इससे ज़्यादा पकाओगे तो हार्ड हो जाएगी। ये देखिए, टूथपिक डाल के देखा, इडली बिल्कुल बनके तैयार हो गई। करीब 7 से 8 मिनट कुल लगते हैं। इडली को बाहर निकाल लीजिए एकदम सावधानी से, हाथों को बचाते हुए भाप से, और इडली के सांचे को एकदम ठंडा होने दीजिए। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ये इडली का सांचा, तभी इडली हम अनमोल्ड करेंगे। और ये देखिए, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली बनके तैयार है मिनटों में। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? घर में ज़रूर ट्राई करिए, आज ही ट्राई करिए, जब मन करे ट्राई करिए, पर ट्राई ज़रूर करिए। और प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि कैसी लगी। मैंने बहुत मेहनत से ये सीक्रेट रेसिपी क्रिएट करी है जो आपको सिर्फ शायद मेरे चैनल पे आज मिले, हो सकता है आने वाले समय में आपको बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाए, लेकिन आज एक्सक्लूसिव है ये मेरे ही चैनल पे, बिल्कुल सीक्रेट रेसिपी जो आपको किसी और चैनल पे अब तक नहीं मिलेगी देखने के लिए। तो घर में ट्राई करिए रेस्टोरेंट वाली सीक्रेट इडली सांभर चटनी की रेसिपी, और मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसी बनी। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ जिससे कि आपको पता चलता रहेगा। और आने वाले पिछले पुराने टाइम में भी मैंने बहुत सारी रेस्टोरेंट की सीक्रेट रेसिपी शेयर करी हैं जो कि आप लोगों ने घर में ट्राई भी करी है, तो इसे भी ट्राई करिए और मुझे बताइए।